फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्लास फिफ्थ के बच्चों के लिए इंग्लिश का जो है फर्स्ट चैप्टर आइसक्रीम मैन के कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर टाइप फिल द ब्लैंक्स टाइप लिए हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं, ये कराने से जो है आपके बच्चे का चैप्टर बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन्स, यानी कि एक वर्ड को पोएम में जो एक वर्ड दिया हुआ है उसका जो मीनिंग है यहाँ पर लिखा हुआ है वो हमें ढूंढना है। सो ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर, यानी कि ब्राइट फ्लेम और कोई फायर, तेज कोई चीज़ होती है तो इट मीन्स ब्लेज, यानी कि चमकने वाली कोई चीज़। मूविंग ऑन स्मॉल बोर्ड व्हील्स, यानी कि स्मॉल बोर्ड व्हील्स पर जाने वाली कोई चीज़ जो मूव करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रम्बलिंग। हीप एंड पाइल, यानी कि कोई कोन जैसी जो चीज़ बना देते हैं ना जिसमें आइसक्रीम मोल्ड वगैरह डाल करके देते हैं, तो मोल्ड्स। गैदर अराउंड, यानी कि क्लस्टर, गैदर अराउंड मीन्स चारों तरफ घेरा लगा देना, यानी कि क्लस्टर कर देना। ओके, इस तरीके से जो है आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, इनको लिख करके दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें राइट अ राइमिंग वर्ड फॉर और ईच ऑफ द पेयर गिविंग बिलो, यानी कि नीचे जो कुछ पेयर्स दिए हुए हैं इनके राइमिंग वर्ड्स आपको लिख करके देने हैं। सो हीट, स्ट्रीट, बीट, साइट, वाइट, लाइट, ड्रिंक, पिंक, सिंक, मोल्ड, राउंड, साउंड, पीस, बीज, सीज। आपने देखा ना इसमें पीछे जो आवाज़ आ रही है, जो साउंड आ रही है वो सेम आ रही है, यानी कि पीस, बीज, सीज, मोल्ड, राउंड, साउंड। ठीक है, इस तरीके से हमको ये करवाना है। राइट एनी टू वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं हमें, जिनमें कि डबल टी, डबल एम, डबल टी, डबल आर आ रहा हो। सो डबल ई वाले जो है, बीन, कीन, कीप, समर, कॉमन, टुमोरो, लिटिल, बैटर, बैटल, स्ट्रॉबेरी, चेरी, वरी। आपको अगर और भी कोई वर्ड्स आते हैं ना तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। इनको ज़रूरी नहीं कि आप कॉपी करें, आपका बच्चा कॉपी करे, आप उनको नए वर्ड्स भी लिखाइए जिससे कि उनको नए वर्ड्स भी अच्छे से याद हो जाएंगे। ओके, हमें कभी भी बच्चों को कोई भी चीज़ रिपीट करने नहीं देनी है, आपको जितना हो सके उनके माइंड को डेवलप करने के लिए उनको जो है वो चीज़ें सिखानी है। सो नेक्स्ट है यहाँ पर रीड द गिवन स्टेंजर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये स्टेंजर्स यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपकी पोएम है, आपने रीड करी होगी और उसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं हमें। ओके, मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। सो नेम द पोएम एंड द पोएट, नेम पोएम का नेम लिखना है और पोएट का नेम लिखना है। नेम पोएम का आपको पता ही है द आइसक्रीम मैन, और पोएट का नाम क्या है जो कि हमारी पोएम के लास्ट में लिखा होता है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। विच सीजन इज डिस्क्राइब्ड इन दिस लाइन्स, इन लाइन्स में जो है कौन सा सीजन डिस्क्राइब किया हुआ है, समर सीजन। वॉट हैपन इन द समर सीजन, समर सीजन में क्या होता है, ब्लेज ऑफ हीट, यानी कि हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उसकी वजह से बहुत सूरज चमकता है तेज। हु कम्स डाउन द स्ट्रीट, कौन आता है, द आइसक्रीम मैन कम डाउन द स्ट्रीट विद हिज कार्ट। ओके, फाइंड अ वर्ड इन द अबव स्टेंजा विच इज अपोजिट ऑफ कूल, कूल का अपोजिट वैसे तो क्या होता है, हॉट, बट जो ऊपर स्टेंजा दिया उसमें क्या है, उसमें है हीट। ओके, सो वी राइट हियर हीट। सेकंड है हीज कार्ट माइट बी, सॉरी इसको भी नहीं पढ़ती हूँ मैं, एंड यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा है इसको। वाई इज द कार्ट कंपेयर टू अ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड की तरह कंपेयर क्यों करा गया है कार्ट को, बिकॉज हनी बीज की तरह ही, यानी कि मक्खी की तरह ही बच्चे भी उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। किसको, आइसक्रीम के, जो आइसक्रीम का कार्ट होता है उसको, उनको वो हनी बीज की तरह बिल्कुल रोज़ से भरा हुआ आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। वो क्लस्टर अराउंड द आइसक्रीम कार्ट, आइसक्रीम कार्ट की क्लस्टर किसने, इनकी भीड़ किसने लगाई हुई थी, चिल्ड्रंस ने। ओके, वो आर द चिल्ड्रन कंपेयर टू इन द पोएम, बच्चों को जो है किस चीज़ से पोएम की, बच्चों को जो है किस चीज़ से कंपेयर किया गया है, हनी बीज के साथ में। ओके, गिव द करेक्टिव नाउन ऑफ अ पेयर ऑफ द बीज, यानी कि हम यहाँ पे अब पेयर ऑफ बीज नहीं बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन हमको यहाँ पे सेंड करनी है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बहुत सारी जब बीज हो जाते हैं तो अ बंच ऑफ बीज, यानी कि जो बीज होती है उनका बहुत ही ज़्यादा घेरा। अब अंडरलाइन करना है हमको डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव वर्ड जो होते हैं हमारे उनको। माने इज अ लवली गर्ल, सो माने इज अ लवली गर्ल, ये क्या हुआ, क्वालिटी बताई है, माने कैसी है, लवली है, यानी कि क्वालिटी उसकी कैसी है कि वो बहुत अच्छी है। माई मदर गिव मी अ ब्यूटिफुल ड्रेस, सो ड्रेस कैसी है, बहुत अच्छी है, यानी कि क्वालिटी इसकी बताई गई है। गिव सम मिल्क टू द बेबी, बेबी को कुछ मिल्क देना है, यानी कि थोड़ा बहुत मिल्क देना है। सो क्या बताया इसमें, क्वान्टिटी, कि कम देना है या ज़्यादा देना है, कितनी क्वान्टिटी में हम उसको मिल्क देना है।
हुज बैग इज दिस, यानी कि ये बैग जो है किसका है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, सो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये हो गया। ओनली अ फ्यू पीपल कम टू द पार्टी, यानी कि पार्टी जो है उसमें कुछ ही लोग आए, इट मीन्स नंबर, यानी कि हम उनको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हम बोल सकते हैं इसको, यानी फिर नंबरल वालों बोल सकते हैं। सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, यानी कि नीचे कुछ अंडरलाइन वर्ड किए हुए हैं उनके अपोजिट हमको लिखने हैं, सो क्लेवर, फुलिश, स्ट्रांग, वीक। एक जो है सेंटेंस बनाया हुआ है, मरिया इज अ क्लेवर, यानी कि मरिया जो है वो क्लेवर है, बट जॉन इज फुलिश, बट जो जॉन है वो फुलिश है, यानी कि मूर्ख है। अ टाइगर इज स्ट्रांग बट अ लैम इज वीक। अ स्टोन इज हार्ड बट द फेदर इज सॉफ्ट। समर इज हॉट बट द विंटर इज कोल्ड। द रिवर इज डीप मीन्स गहरा बट द पॉन्ड इज शैरो। वो क्या होता है, फैला हुआ होता है बट वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता। नेक्स्ट एक और यहाँ पे दिया हुआ है, कंप्लीट द सेंटेंस सूटेबली, यानी कि कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं हम उन पर, और जो भी उसमें सूट करता है वही वर्ड हमें नीचे लिखना है। सो हम इसमें जो है राइट जो हमारे लास्ट जो वर्ड्स हैं उनको हम देखेंगे, उसके हिसाब से उनको लगाएंगे। द फर ऑफ द पॉलर इज एज वाइट एज स्नो, कैसा होता है, वाइट होता है ना, सो एज वाइट एज स्नो। द क्रीपर्स ग्रे अराउंड द ट्री, यानी कि क्रीपर्स जो होते हैं, क्रीपर्स क्या होते हैं, ट्रीज़ के बारे में अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो, जो पेड़ के पास में जो डंडियाँ सी टंगी रहती है ना, क्या बोलते हैं हमको हिंदी में, टहनी जैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा पेड़ों पे लगी रहती हैं, वो कितनी हार्ड होती हैं, सो हम उसको क्या बोलेंगे, एज स्ट्रॉन्ग एज द रॉक। द हुड फिंगर फिगर रेन एज फास्ट एज डियर। द कॉट ऑफ द थीफ। द मिल्क वाज एज कोल्ड एज आइस, आइसक्रीम की तरह ठंडा है। ही इज एज वाइज एज एन आउल, वो एक आउल की तरह बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, यानी कि वाइज है, इंटेलिजेंट, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये जो एक्सरसाइज है आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।